नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओसन बानो है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। जब किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसे कुष्ठ रोग है, तो वो दिमागी रूप से परेशान हो जाता है। जैसे कि उसने समाज में कुष्ठ रोग से संबंधित जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में, उसे सुन रखा होता है, तो वो उससे जो है ना परेशान हो जाता है, जिसके उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जैसा कि एनएलआर टीम के द्वारा हमारे यहाँ पर एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम दिया गया था, उसमें ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से हमें कुष्ठ रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण करना है और उन्हें किस तरह से उसको हेल्दी बनाना है। तो जब हमारे पास कोई कुष्ठ रोगी आता है, तो उसका हम परीक्षण करते हैं और उसे समझाते हैं कि कुष्ठ रोग जो है कोई छुआछूत का रोग नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे जो है वो पर निकल नहीं पाएगा, जो ठीक नहीं हो पाएगी। हम उसे अपनी दवा के बारे में बताते हैं और उसे समझाते हैं कि दवा खाने से आपका कुष्ठ रोग पूरी तरीके से वहीं पर रुक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। परेशान ना वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकता है, अपने शादी कर सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, और जो है किसी तरीके से उसे नॉर्मल लाइफ जीने में कोई भी परेशानी या बाधा नहीं आएगी। कुष्ठ रोग अब औषधियों से बिल्कुल तरीके से, पूर्ण तरीके से सही हो सकता है। हमारे यहाँ जो है जितने भी कुष्ठ रोगी आते हैं, पहले हम उनको काउंसलिंग करते हैं अच्छे से, कि जो है उनका दिमागी रूप से जो परेशान होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। फिर उनसे क्या क्या उन्हें परेशानी है, क्या परेशानी है कुष्ठ रोग की वजह से, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उससे पूछते हैं। उसके बाद उसको जो है उसी तरीके से समझाते हैं कि जो है नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, ये कुष्ठ रोग है जो वो ठीक हो जाएगा, और दवा प्रॉपर तरीके से खाइए, दवा से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ना तो तुम्हारे बच्चों को होगा ना ही तुम्हारा, तुम नॉर्मल लाइफ जीने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर बाय चांस किसी को डिसेबिलिटी ग्रेड 2 हो जाता है पेशेंट को, तो उसे भी हम पूरी MDT देते हैं, और उसके बाद उपचार के बाद उसका जो है उसे समझाते हैं कि सरकार बहुत सारी जो है ना योजनाएं कुछ रोगियों के लिए ला रही हैं, कुछ रोग का किस तरह से उसका पेंशन फार्म जो है डिसेबिलिटी वाला फार्म बन जाता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसको जो है ना पेंशन के लिए भेज देते हैं, हम फार्म देते हैं, उसे समझाते हैं, ऐसे भर के विकास भवन में आप जमा करिए और 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन पाइए, जिससे आप अपना दैनिक खर्चा चला सकते हैं। और समय समय पर हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे कुष्ठ कॉलोनी आती है, अगर वो कॉलोनी के पात्र हैं तो उन्हें कॉलोनी दी जाती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों को कॉलोनी मिली हुई है। समय समय पर डिसेबिलिटी कैंप लगाए जाते हैं, DPMR कैंप NLR टीम के द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे कुछ रोगियों को ये बताया जाता है कि सेल्फ एक्सरसाइज से जो है कैसे कैसे करके हम ग्रेड डिसेबिलिटी को जो है ना अपनी वहीं पर रोक सकते हैं, उसे कहीं हद तक अच्छा कर सकते हैं। हाथों में अगर जो है कुछ आ रहा है उसको हल्का आ रहा है, तो जो है उसे किस तरह से एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। डेली की रूटीन एक्सरसाइज के बारे में हम कैंप में बहुत अच्छे से बताते हैं। और भी कई सारी योजनाएं हैं कि कभी कभी जो है ना स्वास्थ्य समिति के द्वारा भी कुछ सामान जो कुछ रोगियों के लिए दिया जाता है, जैसे कि हैंडल ग्लास दिया जाता है, जिसमें रबर का वो होता है पकड़ने वाली ग्रिप जो है ना रबर की बनाई जाती है, जिससे उनके हाथ ना जलें, और बाकी और भी बहुत सारा किट होती है पूरी, उसमें सारी चीज़ें कुछ रोगियों के हिसाब से होती हैं। तो इससे हम उनके काफ़ी हद तक मानसिक स्वास्थ्य को संभाल पाते हैं कि वो एक कुष्ठ रोग जो है ना कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे जो है उनको कोई परेशानी आगे होगी। थैंक यू।